कुछ देर पहले आपका बयान है कि समर सिंह को उतना नहीं जानता, नहीं कुछ देर आप बोल रहे हैं, कुछ देर बाद ही आपने बोला कि समर सिंह को जानता है। उन्होंने तभी तो एडिट कर दिया होगा, उन्होंने पूछा होगा कि वो आए थे। हाँ आए थे, मैं आज भी आपको भी ये बता रहा हूँ कि वो आए थे। पर प्रशासन के आने के बाद पहली बार दरवाजा खुला था या फिर प्रशासन के आने से पहले? क्योंकि सर ये चीज ये मैंने बार बार बता दिया है, आप देख सकते हैं। बोला गया कि पुलिस के आने के बाद खुला था, लेकिन फुटेज में तो कोई पुलिस दिख ही नहीं रही थी। इस वजह से ब्लेम कुछ लोग आप पे ये लगा रहे हैं कि होटल वाले जो लोग हैं वो झूठा झूठा ब्लेम लगाए हैं कि वो दारू पी के आई थी, लेकिन चल तो ठीक ठाक रही थी। सर ये प्रशासन ने जो जो चीज भी हमसे मांगा, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी डीवीडीआर आपने सब दे दिया, सब कुछ मैंने प्रशासन को सौंप दिया है। बिल्कुल, अगर प्रशासन जांच में मुझे भी दोषी अगर पाया जाएगा तो मुझे भी सजा होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ यूपी में वाराणसी सारनाथ और यही भैया एक होटल है, देख सकते हैं। इसी होटल में आज से कुछ दिन पहले आकांक्षा दुबे जी का देहांत हुआ था, के साथ बहुत मिस्ट्री वाली है, बड़ा घटना हुआ था। ये जो डेथ है एक मिस्ट्रियस डेथ है, तो इसके पीछे क्या राज है भाई? सारे होटल वाले आज फिर से पूछेंगे, क्योंकि आज से 10 दिन पहले यहाँ पे कांड हुआ था और आज 10 दिन बाद फिर से हमने दोबारा आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लीक हो चुका है, उसके बाद फिर से हम दोबारा आ चुके हैं उनसे बात करने। चलिए बात करते हैं। आदमी कहा जाता है ना कि बीते इसको भी 10 दिन हो गए और लगातार एक ही चीज को इंसान कितनी बार बोले, हर दिन भर में 20 बार 30 बार मीडिया वाले आ रहे हैं और एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करें। अच्छा ये बताइए, जैसे आप रेगुलर काउंटर पर बैठते हैं, जैसे कि अभी भी मैंने देखा, तो प्रशासन का आना जाना कितनी बार होता है या फिर आप पे कितना दबाव डाला जाता है, प्रेशर भी डाला जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ होता है? तुम बताओ, तुम ही सब जानते हो। नहीं नहीं, प्रशासन जब ये वारदात हुई है उसके बाद प्रशासन ने जो जो चीज भी हमसे मांगा, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी डीवीडीआर आपने सब दे दिया, सब कुछ मैंने प्रशासन को सौंप दिया है। बिल्कुल, और मुझे यूपी सरकार पर पूरा भरोसा है, आगे प्रशासन पर भरोसा है और प्रशासन इसकी जांच कर रही है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन सबूतों पर काम करती है, आने वाले टाइम पर सबूत मिलेंगे और जो गलत होगी उनकी सजा भी होगी। और आकांक्षा दुबे जी गई हैं, उनका न्याय भी उनको मिलेगा। अच्छा क्या क्या आरोप लगाए गए, जैसे कोई एग्जांपल में क्या क्या आरोप लगाए? तुम सब जानते हो, मैं ये आप लोग भी जान रहे हैं, मीडिया में आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, इस लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं तो कंटिन्यूस आप लोग खबर पढ़ ही रहे होंगे कि क्या क्या आरोप लगाया गया। मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ जिसको हम जवाब नहीं देते उसको समय जवाब देता, तो समय के हिसाब से सब कुछ सही होंगी, सब चीजें सही होंगी और जो चीज भी है जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसकी सजा भी होगी। अच्छा ये उनके फैमिली के द्वारा भी आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि ये लोग पैसा खाए हैं। सर देखिए, वो किली की बेटी गई है तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आरोप लगाए जा रहे हैं? अब सर देखिए, आरोप लगाया जा रहा है, क्या चीज गलत है क्या चीज सही है ये प्रशासन का विषय के जांच पे है। अगर प्रशासन जांच में मुझे भी दोषी अगर पाया जाएगा तो मुझे भी सजा होगी। तो 12 दिन से तो आपको कुछ हुआ नहीं, अभी एकदम परफेक्ट काउंटर पे बैठे हुए हैं। मैं कहीं से दिक्कत में हूँ नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ के प्रशासन पे भी भरोसा है और अपने आप पर भी भरोसा है और हमारे स्टाफों पर भी मुझे भरोसा है कि हम लोग कहीं से गलत नहीं। अच्छा जो आपके होटल में लोग रहने के लिए आते हैं, ठहरने के लिए आते हैं, तो बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा? लोग भाग रहे होंगे, बिजनेस लोग आने से डर रहे होंगे। बिजनेस पे इफेक्ट 85% पड़ा, बिजनेस प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, दिन में एक रूम दो रूम यही लग रहे हैं, बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया। मतलब रूम लोग नहीं ले रहा है डर के मारे? किस डर से नहीं, थोड़ा सा इस जो ये घटना घटी है इसके वजह से सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हो गया हमारा, इस वजह से। ब्लेम कुछ लोग आप पे ये लगा रहे कि होटल वाले जो लोग हैं वो झूठा झूठा ब्लेम लगाए हैं कि वो दारू पी के आई थी, लेकिन चल तो ठीक ठाक रही थी। सर ये सब प्रशासन के पास फोटोज है, सारे सीसीटीवी फोटोज है, पब्लिक में हो गया ना, क्योंकि सीसीटीवी फोटोज पब्लिक हो गया। देखिए सर, पब्लिक अगर हो गया तो पब्लिक का कोई जवाब नहीं, अगर एक भीड़ में एक इंसान को अगर पब्लिक मारती है तो उस पर कोई केस दर्ज नहीं होता, तो पब्लिक को बोलने दीजिए, पब्लिक का काम है बोलना, प्रशासन का काम है अपना काम करना, हमारा काम है हम अपना काम करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब आप यहाँ पे थे तो आपने देखा था कि वो नशे में? नहीं, मैं ऑन ड्यूटी नहीं था। अच्छा आप नहीं थे? कोई मैं सीसीटीवी फोटोज देख के ही बयां किया। अच्छा कि मतलब वो थोड़ा नशा की हुई? हाँ, जो सीसीटीवी फोटोज में मुझे लगा। अब वो नशा किस तरह का किया है उन्होंने, अच्छा क्या किया है ये मुझे नहीं पता। वकील साहब का इंटरव्यू देख रहे थे हम लोग, वकील साहब तो बोल रहे हैं कि पेट में कुछ आया है, पोस्टमार्टम में कुछ आया ही नहीं है कोई नशीली पदार्थ। सर मेरे बस का नहीं है। आप कानून पे छोड़ रहे हैं? प्रशासन पर छोड़ रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन न्याय दिलाएंगी और क्या दिलाएंगी, यही सब दिलाएंगी। जो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इफेक्ट हो रहा है या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है,
अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सर देखिए किसी को देख के भापा नहीं ना जा सकता। ये हमारे होटल की पहली घटना और बहुत ज्यादा इससे हमारा पूरा स्टाफ कहीं ना कहीं सहमा हुआ और किसी चीज को देख के भापा नहीं जा सकता कि ये इंसान यहाँ पर आत्महत्या कर लेगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आए हमारे पास, तो मैं इनको देख के कैसे भाग जाऊंगा कि आत्महत्या करें। कहीं ना कहीं उनको ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए, जो चीजें थी उनको उनको फेस करना चाहिए, उनको अपनी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। ये फेस उनको ये कदम उठाना, ये रिजल्ट नहीं मिलता, वो चली गई। कहीं ना कहीं उनके माता जी को तकलीफ है, पिताजी को तकलीफ है, उनके भाई साहब को तकलीफ है, हर लोगों को तकलीफ है। बहुत कोई उनके चाहने वाले थे जो उनको लाइक करते थे, अच्छे फॉलोअर्स थे, उनको भी कहीं ना कहीं दुख है उनके जाने का। अच्छा, यहाँ पे कभी समर सिंह का आना जाना हुआ था कि नहीं, जब तक वो होटल में थे? कभी समर सिंह आए अपने बयान में दे दिया है, आए थे कभी? चार पांच महीना पहले उनकी पिक्चर बन रही थी कसम भोलेनाथ की। नहीं, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा, शायद आप ही ने बयान दिया था कि एक पत्रकार साहब ने पूछा था कि समर सिंह को जानते हैं, तो शायद आपने कहा था कि नहीं उतना नहीं जानता हूं, लेकिन उसी इंटरव्यू में कुछ देर बाद शायद आपका बयान आता है कि हाँ समर भैया आए थे। समर सिंह चार महीना पहले आए थे जब उनकी मूवी यहाँ बन रही थी कसम भोलेनाथ। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ देर पहले आपका बयान है कि समर सिंह को उतना नहीं जानता, नहीं कुछ देर आप बोल रहे हैं, कुछ देर बाद ही आपने बोला कि समर सिंह को जानता है। उन्होंने तो एडिट कर दिया होगा। अच्छा। उन्होंने पूछा होगा कि वो आए थे। हाँ आए थे, मैं आज भी आपको भी ये बता रहा हूँ कि वो आए थे, पर चार पाँच छह महीना पहले जब उनकी एक पिक्चर यहाँ बन रही थी, उनकी यहाँ यूनिट होती थी कसम भोलेनाथ की, उस शूट के लिए यहाँ स्टेज। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रशासन के आने के बाद पहली बार दरवाजा खुला था या फिर प्रशासन के आने से पहले? क्योंकि सर ये चीज ये मैंने बार बार बता दिया है, आप देख सकते हैं, बोला गया कि पुलिस के आने के बाद खुला था, लेकिन फुटेज में तो कोई पुलिस दिख ही नहीं रही थी जब दरवाजा खुला। अब ये देखिए बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, अब इस पर मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। सारी चीजें मैंने मीडिया वाले को खुल के बता दिया है, कैसे कैसे क्या हुआ, हम लोग का बयान भी हो गया है, हम लोगों ने भी प्रशासन को बयान कर दिया, तो इस चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये लंबा प्रोसेस, फिर मुझे लंबा इंटरव्यू, मैं ज्यादा लंबा इंटरव्यू देना नहीं चाहता, ऐसा फिर लगेगा पब्लिक कहीं आप बच रहे हैं या फिर इससे पहले भी तो मैंने 10 इंटरव्यू दिया, मैंने आपको दिया, उसमें सब कुछ मैंने बताया, आप भी देखो चेक करो कि मैंने बताया कि नहीं। बस मैं आपके रिक्वेस्ट पर, आप उतने दूर से आए इसलिए मैंने शॉर्ट टाइम आपको बोला कि शॉर्ट टाइम में आप इंटरव्यू लेकर आप, अगर पिछली चीज आप उभारेंगे तो ऑफकोर्स वो चीजें बातें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हाफ में किसी बात को बीच में खत्म कर देने वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो आप शॉर्ट में जो पूछना है पूछिए, अब वो पिछली बात क्या है, अब उसको रिपीट करके क्या फायदा, मैंने सबको जवाब दे दिया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऐसे ही कुछ टाइप के बयान से कहीं आप लोग के होटल का नाम आ रहा है कि कुछ स्टाफ कुछ और चीजें बोल रहे हैं, कुछ स्टाफ कुछ और बोल रहे हैं, सर तो कहीं आप पे इल्जाम लग रहा है, उंगली उठ रहा है, ये भी तो रीजन सर देखिए, जज करना हमारे हाथ में नहीं है और पब्लिक क्या जज कर रही है क्या नहीं, सजा देना कानून का काम है। आप जज कर लोगे कि मैं तो गुनाहगार हूँ, तो मैं गुनाहगार नहीं हो सकता। पब्लिक अगर मुझे जज करेगी मैं गुनाहगार हूँ नहीं, इसके लिए एक बार सब कुछ का सिस्टम है, प्रशासन तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, प्रशासन पर आप लोग भी भरोसा रखिए, हम भरोसा रखेंगे। तो जांच का विषय, अगर हम दोषी होंगे हम तो कह रहे हैं, अगर हम दोषी होंगे तो हम भी जाएंगे, बिल्कुल तो जाना ही पड़ेगा, जो दोषी होगा उसको जाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ भैया थे होटल के, अभी रिसेप्शन पे बैठे थे रिसेप्शनिस्ट, बहुत सारी बातें हमने की, आप लोग इस इंटरव्यू को शेयर करें, इनके भी कुछ बातें हैं जो ये बयां कर रहे थे और कुछ बातें हैं, अब देखिए प्रशासन का काम है आगे क्या होता है।